हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मम्मी की आदत अभी तक नहीं गई है, लोगों को पता चलना चाहिए। पहले आप पंखे बंद करती थी, अब आप एसी बंद कर रही हो। एसी बंद तो भाई बिजली का बिल देखा था, दोस्तों बिजली का बिल देखना। छोटे थे ना तो मम्मी ना जब हम सो रहे होते थे, मम्मी क्या करती थी, लाइट पंखा सब बंद करके चली जाती थी हमें उठाने के लिए। आज मैं सो रही थी तो मम्मी ने एसी बंद कर दिया और मैंने सोचा गर्मी क्यों लग रही है। दोस्तों टाइम देख लो, पहले टाइम देख लो। और मम्मी यहाँ नई नई सी बेडशीट बिछा रही है, तो मैंने सोचा कि ना दिन की शुरुआत आज इससे करूं। काफी बच्चे इन चीजों से पीड़ित हुए होंगे। पीड़ित सब करते हैं, ऐसे सब लोग करते हैं। बताना मेरे को कौन कौन पंखे वंखे बंद करके चले जाओ, ये उठ जाएंगे अपने आप गर्मी में। मैं इसलिए नहीं करा, मैंने उठ जाएंगे, टाइम हो गया भैया। फ्रेंड्स, आज मैं ना कॉर्न के अप्पे बनाऊंगी। अप्पे पैन मैंने चढ़ा दिया, पर पहले इसको मैं जल्दी से मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी। और खाना खाने से पहले मैं लूंगी बादाम, इनको पील कर लूंगी तब खाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने कॉर्न के अप्पे चढ़ा दिए। मैंने इसमें इस बार कोई सोडा नहीं डाला है। मेरे को ये था कि इसका साइज़ चाहे बड़े ना बड़े, मतलब नॉर्मल छोटे छोटे पकौड़ों की तरह भी बन जाए, मुझे डीप फ्राई नहीं करना था, इसीलिए मैंने इस बार ऐसे यूज़ किया है। बस अभी से ढक के रख दूंगी और एक साइड चाय चढ़ा दूंगी। फ्रेंड्स, इतने इजीली ये आराम से मूव हो गए ना, मतलब मैंने आराम से पलट लिया इन्हें और यहाँ चाय भी चढ़ा दी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। कुछ लोगों को ना ये दिक्कत होती है कि पानी की वजह से ये ठीक से बाइंड नहीं हो रहा है। आप इसे अच्छे से धो लीजिए, मैं भी सेम टाइम पर ही धोती हूँ। अच्छे से धो के ना तब मिक्सी में मतलब ग्राइंड कीजिए। मतलब मेरे तो नहीं टूटे हैं, आपके भी नहीं टूटेंगे। कभी कभी मैंने पिछली बार पकोड़े बनाए थे, वो भी इजीली बन गए थे, तो ये भी इजीली बन गए हैं। बस मैंने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाला इस बार, जैसे पिछली बार मैंने मूंग की दाल वाले में इनो डाला था, इसमें नहीं डाला। और फ्रेंड्स, मैं ही नहीं हूँ जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाती है। नेगी जी ने अपने लिए नया नाइट सूट मंगवाया ऑनलाइन, कैसा लग रहा है? पता है कब से चाहिए था इन्हें ऐसा, इस बार इन्हें अमेजोन में दिख गया तो इन्होंने मंगा लिया। मुझे घर पे जोकर बन के रहना बहुत अच्छा लगा। ये जोकर नहीं है, अच्छा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है? और लूज है, अच्छा है, घर पे पहनने के लिए कॉटन है, टीवी देखते हुए सोने के लिए काफी हल्का मटेरियल है। हमें तो चेक में चाहिए था विद दिस कॉलर, क्योंकि जापानीज लोग ऐसे पहनते ना, तो नेगी जी को लग रहा है मैं भी अब जापानीज बन जाऊंगा। चलो गाइस, मेरे अप्पे बन गए हैं, अब नेगी जी जल्दी से कर ले पूजा पाठ, नहा धो के आ गए। जल्दी जल्दी करो। नेगी जी अप्पे? मैं तो बहुत अच्छा हो रहा हूँ। आप नहीं, अप्पे अप्पे अच्छा। कौन वाले अप्पे? कौन वाले अप्पे बहुत अच्छे हो रहे हैं आजकल। हम अप्पे पे अप्पे बनाए जा रहे हैं और यहाँ चल रहा है विक्की का व्लॉग। और जो नहीं जानता विक्की कौन है, विक्की बहुत फेमस है वैसे अब पहाड़ी भाजी के नाम से। और विक्की है नेगी जी का भाई और मेरा देवर, मेरी फूफा का लड़का है वो। यस, तो जिसने नहीं देखा है व्लॉग वो देख ले, हम भी देख रहे हैं अभी बैठ के, सुबह सुबह हम उसी का व्लॉग देख रहे हैं अभी, है ना। चाय पियेंगे। सो फ्रेंड्स, नेगी जी सो चुके हैं खाना वाना खाने के बाद, एंड मैं बैठ रही हूँ अब एडिटिंग करने के लिए। आज शाम के लिए एक वीडियो एडिट करनी है, आप लोगों को दिख ही गया होगा, इससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिख जाएगी। मैं बोलती, पता क्या होता है, बोलते बोलते मैं बोल देती हूँ आज शाम को दिखेगी, लेकिन फिर मुझे याद आता है ये वाला वीडियो तो उसके बाद जाएगा, तो इसका मतलब जब तक ये जाएगा तब तक आप देख चुके होंगे वीडियो को। एंड ये स्पेक्स सोच के आप ये मत सोचना कि ये मेरे चश्मे हैं, ये मेरे चश्मे नहीं है, ये घर में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चश्मे हैं जो नेगी जी बाइक में लगाते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में पहन लिया था। वैसे मेरे पास भी चश्मे लगे हुए हैं, पर पता नहीं वो जब हमने घर शिफ्ट किया था कहाँ चले गए, मुझे तब से वो मिले ही नहीं है। और एडिटिंग करके डाल दूंगी, शाम को देखते हैं फिर क्या क्या होता है, क्योंकि आजकल ना मुझे ऐसा हो जाता है, आपने देखा ही होगा इससे पहले वाले व्लॉग में, रात का डिनर जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि नेगी जी डिनर करके जाते हैं। पहले नेगी जी ना क्या करते थे कि ऑफिस में ही खाते थे तो इतना लोड नहीं होता था, लेकिन फिर यार उनको भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बहुत बार मन करता है घर का ही खाना खाना है। एंड मुझे भी अच्छा लगता है जब वो घर से खा के जाते हैं ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बहुत बार आपको तो पता ही है कि पति लोग जितना स्किप कर देते हैं बाहर का कि मील लेंगे नहीं लेंगे, काम के साथ आपको पता भी नहीं चलता है कितनी बार आपके पास टाइम होता है कितनी बार नहीं होता है। तो जल्दी से एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको शाम को मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी अभी वीडियो एडिट करके ना फ्री हुई थी और मैंने थोड़ा सा खिड़की से बाहर देखा तो आज मौसम देखिए, आज मौसम बारिश वाला हो रखा है भाई। सुबह से इतनी धूप थी और सडनली बारिश वाला मौसम, वो भी यहाँ।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ छोड़ के ना हर जगह बारिश हो रही है। सब लोग कह रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पर आप देखिए अभी मौसम तो हुआ है लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक कुछ नहीं कह सकते। जैसा पहाड़ों वाला हाल है ना अभी कि हर जगह लैंडस्लाइड हो रही है, तो हाँ यार मुझे ये भी सच में फील हो रहा है कि किसी के लिए बारिश अच्छी है, किसी के लिए बेकार भी है। जैसे हमें खुशी होती है बारिश आती है तो, लेकिन जहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं उन लोगों को बहुत डर लग रहा होगा जब बारिश आ रही होगी। सो होप सब सही रहें। यहाँ पे पकोड़े बन गए हैं और कड़ी बन रही है। आज रात के डिनर के लिए बन रहा है कड़ी राइस और ना एक छोटी मिर्च है, बाकी दोनों बड़ी, और मुझे छोटी वाली मिर्च चाहिए। मैं कर लूँगी शाम की पूजा। और मुझे ना, मैं कह रही थी कुछ लाल मिर्च जो होती हैं और बड़ी होती हैं और कुछ होती है छोटी, मुझे छोटी वाली लाल मिर्च चाहिए तड़के के लिए। मैंने ना काफ़ी जगह वीडियोस में देखा वो जो छोटी वाली लाल मिर्च होती है उसका तड़का बहुत स्वाद होता है। तो जनरली जो हम लाल मिर्च खरीदते हैं ना ये तड़के के लिए कश्मीरी, वो थोड़ी बड़ी वाली होती है साइज़ में, पर ये छोटी वाली एक आध कभी कभार मिल जाती हैं। बाकी मैंने मार्केट में भी पूछा था, मुझे मिली नहीं। तो मेरा तो डिनर बन रहा है, 6:30 हो रहे हैं क्योंकि कड़ी को पकने में टाइम लगता है, आई थिंक आधा घंटा तो इसे लगेगा अभी करने में, तो देखते हैं मैं इसे कब बंद करती हूँ। गाइस यहाँ पे आ गया मेरा व्लॉग, अभी 8 बजे और अभी अभी आया है, मैंने सोचा जल्दी से शेयर कर दूं आपके साथ। बिल्कुल सही टाइम पे बुक वाले भैया आते हुए, अमेजोन वाला, जैसे ही मैंने जैसे दरवाजा खुला अमेजोन, वाह। बुक मैंने कल रात को ऑर्डर की थी ऑफिस से और आज जैसे हम निकल रहे थे तभी आ गई। चलो भाई, मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, देखो यहाँ कौन है, कीशी बेबी। और इसने मेरे हाथ में बैग देखा, इसे लगा ये घूमने जा रही है तो मेरी गोद में आ गया, है ना मौसी। तो अभी जरा मैं चेंज कर लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कीची सो रहा था, उठ गया। कीची हेलो हेलो, बाय कर दो सबको। फ्रेंड्स फाइनली मम्मी भी फ्री होके यहाँ बैठ गई है, किसी अभी अभी गया है और मम्मी यहाँ पता नहीं फोन पे किसकी एलवी देख रही हैं। अरे गोदावरी की एलवी, इस टाइम उसकी एलवी चलती है ना, अब 9:30 बजे बुआ के भी चलेगी अभी। अच्छा क्या बनाया आपने आज खाने पे? खिचड़ी किसी के लिए बनाई, उसने खाई नहीं तो अब वो शैंकी और आप कहोगे कड़ी, कड़ी मैं लेकर आई हूँ और वो है तोरी की सब्जी। मुझे भी चावलों के साथ तोरी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी काफी लोग पूछ रहे हैं होम टूर के लिए, अब क्योंकि काफी टाइम हो गया आपके घर का होम टूर नहीं दिया है, तो बताओ कब देना है होम टूर? कब देना है भाई, जब सामान आएगा तभी वो देंगे, ऐसे दिए तो दिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सबने देख ही दिया, सब बोल रहे थे अच्छा है अच्छा है, पर एक बार जब तक पूरा सेट नहीं होता ना, जैसे अभी यहाँ खालीपन दिख रहा है, आ जाएगा सब, आ जाएगा सब, तो आ जाएगा, वो तो सबको पता है, थोड़े दिन में हो जाएगा सब, सब हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। और पता है आपको कहा है मंदिरों पे जाओ, पहाड़ों में जाओ, बस वो घूमने का लालच। कल मैं और प्रिया बात कर रहे थे आपका टीवी देखने के बाद ना, मम्मी हमें अपना टीवी इतना छोटा लगता है ना, कह रही यार मम्मी का टीवी कुछ ज्यादा बड़ा लगता है, अब अपने टीवी छोटे लग रहे हैं। अंदर वाले भी नहीं देखते, नाटक आगे पीछे हो जाते हैं नाटक, क्योंकि मम्मी और हॉटस्टार इसमें देखते हैं ना, तो जिस सीरीज में उनका नाटक चल रहा होता है सीरीज ही चेंज हो जाती है अगर वो अंदर जाके देखेंगे तो। आपको याद नहीं रहता कौन से एपिसोड देख रहे हो आप लोग? तब लगाती हूँ मैंने, क्यों नहीं रहता यार। हेलो दोस्तों, कैसे हो, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और ये क्या था मम्मी, अब आप बोल रहे हो ये चीज बीच में? भाई जब सामने दिखता है इंसान तो मेरी साइड को करेगी, मेरे को अचानक बोल देगी, अब मेरे को दिख रही हूँ मैं खुद, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं कैमरे में हूँ। एंड बस ऐसे ही आजकल कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि आप दोनों की जोड़ी अब देखने को मिल रही है तो अच्छा लग रहा है देखने में। लिखा है आप पढ़ोगी मैसेजेस तभी तो पता चलेगा। दोस्तों आजकल बिल्कुल फुर्सत नहीं है एलबीओ से, इसीलिए वीडियोस मैं बनाती हूँ। आपको अगर मम्मी को देखना है ना तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, किसी को नहीं देखना, सब एलबी में देख लेते हैं। नहीं नहीं आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, मैं आपको मम्मी की सारी अपडेट्स दूंगी। विश्व सुंदरी होनी है कि जो मैं मेरे को देखने, मम्मी विश्व सुंदरी से कम भी नहीं है, आप विश्व सुंदरी से कम नहीं हो और सबको आपको देखना होता है, आप भी लोगों को इतना सपोर्ट करते हो और मेन चीज होती है सबको जानना होता है कि क्या चल रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली बहुत अच्छी मिली है मुझे यूट्यूब से, फैमिली बहुत अच्छी मिलती है, सही मिल जाते
हैं, कहीं कहीं लोग कहाँ कहाँ से जुड़ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं ना कि बहुत मतलब कुछ करने को दिल करता है। क्या दिल करता करने को, मतलब कि कोई कुछ परेशानी में है कुछ है तो ये लगता है यार मैं इसी कैसे मदद करूँ, मतलब इतने अच्छे लोग जुड़ तो ये जो रिश्ते बने हैं ना ये ऐसे ही बनते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने का मन करता है कब मिले हम कब मिले हम, ऐसा लगता है हमें। बहुत अच्छी बात है, मेरा मानना है कि सबको ऐसे रिश्ते मिलने चाहिए। एंड कल चंद्रयान की लैंडिंग है तो शाम को आई थिंक 6 बजे के करीब का टाइम दिया गया है, तो हम देखेंगे कल शाम को 6 बजे। कल सब लोग अपने अपने टीवियों में चिपके रहेंगे। कल है इसकी लैंडिंग तो कल हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स आज का मौसम, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और देखिए आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मैं मम्मी के घर से भीगते भीगते आई हूँ। नेकी जी की पूजा हो रही है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, अभी छोटा छोटा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्रेड टोस्ट वगैरह जैम वगैरह लगा के बना दूँ। यहाँ पे मैं ब्रेड जैम बना रही हूँ, एक एप्पल काटूंगी और जल्दी से बना लूँगी छोटा मोटा सा ब्रेकफास्ट। किस किस को ब्रेड जैम पसंद है मुझे ये ज़रूर बताना, आई लव ब्रेड जैम। कल ही मैं कह रही थी कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही एंड आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से ना, आज मैं पहले मम्मी के घर से यहाँ तक आई तो भीगते भीगते आई और अब ना मैं बाहर आई शाम को तो भी बारिश हो रही है। इतनी इतनी प्यारी लग रही है ना बाहर देखने में, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियों का टाइम आ गया हो। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स सामने तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल धुंध सी आ गई हो, बहुत प्यारी लग रही है एंड धीमी धीमी सी बारिश। हम लोग बैठ गए हैं, बाहर बारिश हो रही है, अंदर हमने टीवी ऑन कर दिया है और हम देख रहे हैं चंद्रयान का लैंडिंग होने वाली है थोड़ी देर में, 15-20 मिनट के अंदर, तो बहुत एक्साइटिंग है। और 6:04 का टाइम है, 6:04 का टाइम, 6:04 मिनट का, तो बहुत एक्साइटिंग। और पता है अभी मैंने ये चैनल खोला इसरो वाला, 3 point something million लोग एकदम से इसको मतलब खोल के बैठे हुए, तो सोचो लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। कितने 3 million मतलब 30 लाख लोग अभी देख रहे, 30 लाख मतलब बहुत एक्साइटमेंट है जो लाइव देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे आपके साथ, बस फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा अच्छा हो, है ना। से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है, 2.3 किलोमीटर रह गए। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. क्योंकि पिछली बार जब फेल हुआ था ना तो इसी हाइट पे फेल हुआ था 4 साल पहले, इसलिए लोग बहुत एक्साइटेड है लोग। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, 1.2 किलोमीटर। सब घबराते हैं। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। अभी सीधा खड़ा हो गया ना, पहले ऐसे था टेढ़ा, बिल्कुल सीधा हो गया। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। 800 मीटर रह गया अभी और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। बट टिल नाउ द परफॉर्मेंस हैज बीन नॉमिनल, वी आर इन द वर्टिकल डिसेंट फेज 1 पर है और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 1.50 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। स्पीड कम कर रहे हैं। एंड द लैंडर मॉड्यूल हैज बिगन इट्स डिसेंट टुवर्ड्स द लैंडिंग साइट। स्पीड कम हो रही है ना यहां पे, 300-250 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर रह गया, स्पीड बहुत कम कर दी है। इसका
तालियों के गड़गड़ाहट 150 मीटर पे तालियां बज रही है ना, अभी 100 मीटर पे भी तालियां बजेंगी, फिर 50 मीटर पे तालियां बजेंगी, इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। अब बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये देखो बहुत धीरे धीरे हाइट कम कर रहा है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे, 50 मीटर है, बिल्कुल लैंड होने ही वाला है। नरेंद्र मोदी जी हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। जब तक रीडिंग आती रह रही है तब तक मतलब सही है, क्योंकि पिछले 4 साल पहले जब फेल हुए थे तो रीडिंग आनी बंद हो गई थी, मतलब रीडिंग आनी मतलब सब कुछ सही है। फाइनली नेगी जी, ये आप तो ऐसे करो वहीं पे हो। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा पे लैंड हो चुका है। हो गए भैया लैंड हो गए, बहुत ही गर्व की बात है, फाइनली लैंड कर दिया है। नेगी जी तो नाच गए, आपने देख लिया, वहाँ की एक्साइटमेंट अलग है, यहाँ पता है धकधकाहट हो रही थी दिल में, अब खुशी भी हो रही है। सही में यार बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप किसको मैसेज करने लग गए, वहां तो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कंग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स टीवी से तो हम अभी हट ही नहीं रहे हैं, इतनी खुशी है कि हम वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। बड़ा मजा आया, बहुत एक्साइटिंग था, और जब फाइनल लैंड किया जब 100 मीटर रह गया था बहुत मजा आया देख के, और हम स्पीचेस देख रहे हैं कि जो यहाँ जितने भी साइंटिस्ट उनके स्पीचेस देख रहे हैं, तो बहुत सही लग रहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफी लोगों को नहीं पता लग रहा होगा जो साइंस से रिलेटेड उतना ट्रैकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो काफी कर रहा था इसको काफी दिनों से। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। यस yes. क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई साउथ पोल पे लैंड कर रहा है, मून के, चांद के साउथ पोल पे लैंड किया फर्स्ट टाइम, वो भी इंडिया ने करा है। 4 साल पहले हमने ट्राई किया था, हम फेल हो गए थे, और इस बार सक्सेसफुली हम लैंड कर रहे हैं, फिर दोबारा टेस्टिंग करके हम गए हैं और लैंड कर दिया हमने। तो वीडियो को एंड कर दो, इसी खुशी को मनाते हुए अब मैं चाय बनाऊंगा और आप सबको बाय बोलता हूँ। बाय, सब्सक्राइब।